हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेटा टाइप का साइज कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, या अपना हम डेटा टाइप्स का साइज कैसे पता कर सकते हैं कि वो कितना मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे और आज हम ये आपको डाउट क्लियर बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे कि आप कैसे इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीएस कोड के अंदर और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोड लिखना। इसमें हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल इंक्लूड करते हैं, आईओ स्ट्रीम Using namespace std and then guys हम int main start करते हैं अपना। main start करने के बाद तो guys आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लंबा प्रोग्राम लिखना है तो आपको कैसे मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ साइज प्रिंट कराना है, अपने वेरिएबल्स का चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल कितना मेमोरी एलोकेट करता है, तो उसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना है साइज ऑफ का। मतलब आप लिखेंगे सी आउट साइज ऑफ कीवर्ड का यूज़ करके आप गाइस अपने किसी भी डेटा टाइप का साइज प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम इंट का चेक करेंगे, रिटर्न ज़ीरो कर दिया और ये सेव कर दिया। तो गाइस अब हम इसको रन करेंगे। जैसे कि आपको बताया इंटीजर का मेमोरी में स्पेस 4 bytes होता है और यहाँ पे देखिए गाइस इसने 4 bytes प्रिंट करा दिया। ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसको हम बाकी डेटा टाइप्स के साथ ट्राई करते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं करेक्टर के साथ इसको सेव करके रन करते हैं। करेक्टर का आपको पता है 1 byte लेता है। ये देखिए गाइस यहाँ पे इसने 1 शो कर दिया। और उसके बाद हम इसमें कर देते हैं चेक डबल का, double। इसको सेव करते रन करते हैं। ये देखिए गाइस इसने यहाँ पे 8 bytes हमने शो कर दिया। तो ये था गाइस सिंपल सा प्रोग्राम जिससे आप अपने डेटा टाइप्स के मेमोरी एलोकेशन या साइज को पता कर सकते हैं इजी वे में बिल्कुल ही।